पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। डरने जैसा कोई कारण तो नहीं था, फिर भी मुझे किसी बात का तो डर लग रहा था। यार गौरव, हम अपने बिजनेस के एटलीस्ट पहले 8 महीने तक कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपेंसेस हो गए, वो भी अपने पॉकेट से। धीरज, होटल रूम रेट पर 60% डिस्काउंट इज फूलिश यार, कस्टमर यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर सस्टेन करना मुश्किल होगा। यार लेकिन हमें दूसरे होटल बुकिंग साइट्स के क्लाइंट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, वो सारे एस्टैब्लिश्ड होटल्स है, पर रूम 40-45% डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हम उनसे ज्यादा ऑफर नहीं करेंगे तो कस्टमर्स की रेडार में कैसे आएंगे और कन्वर्शन होगा कैसे? हाय जानवी, क्या प्लान है गौरव? लंच के लिए आ रहे हो या फिर घर पर ही ऑर्डर कर रहे हो? पौने एक हो गए। आई एम सो सॉरी बेबी, यार मेरे ध्यान से ही निकल गया, अब बस 5 मिनट में निकल रहा है। ओके यार धीरज, जल्दी से शट डाउन कर, मैं टोटली भूल गया कि जानवी को लंच का टाइम दिया था मैंने। तो तू निकलना यार। तू निकल गया, तू भी चल रहा है लंच पे मेरे साथ? मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी कहाँ बनूंगा। डोंट वरी धीरज, जानवी ना प्योर वेज है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इतना कम टर्मिनेशन पीरियड, ये बिल्कुल ओके नहीं है शिंदे। और तुम देख लेना, ये क्लॉज रीनेगोशिएट होना ही होना है। आई थिंक मुकेश सर को बाउंस ऑफ करते हैं। वो क्या था पता नहीं, पर मुझे महसूस होता कि मेरी पीठ पीछे कुछ हो रहा है और कुछ होने वाला है। जानवे तुम बताओ, अगर तुम्हें एक होटल बुकिंग पोर्टल 60% डिस्काउंट दे रहा है 6 महीने के लिए और उसके बाद 40, आज कुछ होने वाला था, वो फीलिंग और स्ट्रॉन्ग होने लगी थी और घर लौटते वक्त उस आभास ने लपेटे में ले रखा था मुझे। धीरज, हाँ मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। नहीं धीरज, पीछे मत देख, आगे देख। ये मेरा फोन, मेरे कॉन्टैक्ट्स में विनोद नाम होगा, विनोद रिपोर्टर के नाम से नंबर स्टोर किया है, जल्दी निकालो उसे। टाइप कर MH04XR4H37, उसे लिख कि इस नंबर की कार मुझे फॉलो कर रही है, मुझे मार डालेंगे ये लोग। गौरव ये हो क्या रहा है यार, कौन तेरा पीछा कर रहा है और कौन तुझे मारना चाहता है, बताएगा भी मुझे? कौन है ये गौरव? खोल, बोलो खोल इसको, खोल, मैं बोलो मारा। खोल, साले जल्दी बैठ, पब्लिक ने देख लिए, चीर देंगे हमको। हेलो गौरव, तुम ठीक तो हो ना? माजरा क्या है? मैं वो कार की डिटेल्स अभी पुलिस को भेज रहा हूँ। हेलो विनोद जी, मैं धीरज बोल रहा हूँ, गौरव का दोस्त। गौरव कहाँ है? अभी 2 मिनट पहले ही तो उसने मुझे मैसेज किया था। वो मैसेज मैंने किया था गौरव के कहने पर। गौरव ठीक तो है ना? धीरज, विनोद रिपोर्टर, गौरव कैसा है? धीरज गौरव कैसा है? गौरव नहीं रहा,
डॉक्टर ने कहा कि यहाँ आने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। सर, वो लड़का गौरव तिवारी जिसे गोली लगी थी, हॉस्पिटल ने उसे डेड ऑन अराइवल करा दिया। यहाँ जितने भी आई विटनेस से बात हुई है, सबका यही कहना है कि गौरव शायद यहीं पर दम तोड़ चुका था। सर, कातिल सेडान कार में आए थे, MH04XR4S37। सर, हिंजेवाड़ी थाना और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दिया है। ये रोड रेज का केस तो नहीं लगता कि रास्ते में ऐसे कोई झगड़ा हुआ और किसने गुस्से में गोली दाग दी। सर, गौरव ने अपने रिपोर्टर दोस्त विनोद शास्त्री को मैसेज भेजा था कि उसका पीछा हो रहा है, उसे मारने वाले हैं। सर, फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुँचने ही वाली है। गौरव की गाड़ी को हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा। उसी गाड़ी में से हमें 3-3 बुलेट शेल्स मिले हैं। वो धीरज जो गौरव के साथ था वहीं पर है। सर, धीरज ही गौरव को यहाँ लेकर आया था और वो रिपोर्टर विनोद शास्त्री भी यहीं आया हुआ है जिसे मैसेज भेजा गया था। दोनों को थाने बुला लो। गौरव की पत्नी की क्या कंडीशन है? सर, फिलहाल शॉक में है, जानवी नाम है उसका। कुछ बोलने की हालत में नहीं है, बस गौरव के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर पाई है। वो वापस से निकल चुके हैं। साहेब, आम्ही सिल्वर शेडान MH04XR4H37 च्या लुकआउट वर आहोत। सर, अभी तक ट्रेस नहीं हुई है गाड़ी, शायद नाकाबंदी लगाने के पहले ही गाड़ी निकल गई हो, इसलिए इलाके के सारे CCTV फुटेज मंगाए हैं मोरे साहेब। सर्विलेंस चालू रखो चौगले। MH04 यानी थाना का रजिस्ट्रेशन है। मैं भी थाना RTO में इंक्वायरी करता हूँ। कार का नंबर खुद गौरव ने डिक्टेट किया था, उसी ने ये लिखने के लिए कहा कि वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। जी सर। सर, मैं तो एकदम शॉक था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सर, मुझे नहीं पता कि गौरव कैसा क्यों लगा, लेकिन ऐसा ही हुआ था। सर, गौरव ने इस खतरे के बारे में तुम्हें पहले बताया ही होगा? नो सर, बिल्कुल नहीं। मैसेज पढ़ के तो मैं हिल ही गया था। तो फिर उस मुश्किल की घड़ी में गौरव ने ये मैसेज एकदम से तुम्हें ही क्यों भेजा? सर, गौरव और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद उसने सोचा हो कि मैं रिपोर्टर हूँ तो पुलिस को आसानी से कॉन्टैक्ट कर लूंगा। शायद, मैं इस बारे में भी श्योर नहीं। सर, गौरव पहले कोरेगांव पार्क के होटल मेडन में असिस्टेंट जनरल मैनेजर था, जहाँ हमारी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी जिन्हें मैं कवर करता था। तभी हमारी दोस्ती हो गई थी। उसने कभी कोई हिंट दिया हो तुम्हें किसी खतरे के बारे में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी एक महीने पहले ही तो मिला था, तब तो नॉर्मल लग रहा था। उस सेडान कार में और भी कोई बैठा हुआ होगा सर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि अटैकर पैसेंजर सीट से उतरा था, लेकिन मैं ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाया सर। फिर तो फायर करने वाले का चेहरा ठीक से देखा होगा तुमने। जी सर, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था सर। अटैकर का हुलिया बता पाओगे डिटेल में? ट्राई कर सकता हूँ सर, हालांकि उसका चेहरा मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ सर, उसके राइट हैंड में एक टैटू था और उसी हाथ में उसने गन भी पकड़ी थी सर। जब वो हमारे गाड़ी का दरवाजा खोलने आया था तब मैंने देखा था सर, उसके राइट हैंड में एक टैटू था। कार का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था? और अगर नहीं भी था तो गन के साथ खड़े आदमी को देखकर अंदर से लॉक नहीं किया? गाड़ी के दरवाजे बंद ही थे सर, लेकिन वो सेडान अचानक से ओवरटेक करके सामने आ गई सर। गौरव एकदम पैनिक में था और हड़बड़ाहट में उससे गाड़ी का इंजन बंद पड़ गया और फिर डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गए सर। इसके पहले गौरव गाड़ी को रीस्टार्ट करके पीछे लेने की कोशिश करता, उस आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोल लिया था। आर यू श्योर उसके राइट हैंड पे टैटू था? मुझे अच्छे से याद है, जब उसने हमारे गाड़ी का दरवाजा खोला था तब टैटू उसके राइट हैंड पर था सर। मुझे गौरव को देखना है। जानवी, एक बार पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद तुम देख सकती हो। किसने मारा मेरे हस्बैंड को और क्यों? जानवी, ये पता लगाने में तुम हमारी मदद कर सकती हो। देखो, गौरव को लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और उसे मार डालने वाला है, और यही बात उसने अपने दोस्त धीरज से कही और मैसेज करने को कहा अपने रिपोर्टर दोस्त विनोद को। कोई गौरव को क्यों मारेगा? गौरव सिंपल आदमी था, वो अपने फ्रेंड धीरज के साथ ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने वाला था होटल बुकिंग्स का। वो दोनों मेरे साथ लंच करके निकले थे। हम कल शाम को ही वापिस से लौटे, तब तक तो सब ठीक था। 0.304 गोलियां लाइसेंस्ड गन की लगती है। यू आर राइट डॉक्टर, कट्टा मार्केट में
.304 नाके बराबर मिलता है। बॉडी में से हमें 3 गोलियां मिली, एक गले में, एक हार्ट में, एक लंग्स में। तीनों गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर हुई होगी। इरादा कत्ल का था ये क्लियर लग रहा है। 3 गोलियां चलाई गई, वो भी इतने नजदीक से। टारगेट को पहचानने में गलती हुई होगी ऐसा मुश्किल है। सर यहां पर था टैटू। कैसा टैटू था कुछ बता सकते हैं? मैं ठीक से देख नहीं पाया था। और ये जो स्केच बनाई आपने उस आदमी की, ये भी कुछ खास मिलती जुलती नहीं है उससे। सर वो बस यंग था, लगभग मेरी उम्र का, लेकिन उसके हाथ में जो टैटू था वो परमानेंट था सर। तो मैं ये नहीं पता कि टैटू क्या था, लेकिन ये पता है कि टैटू परमानेंट था। चल बाहर। सर मुझे परमानेंट और टेम्पररी टैटूज के बीच का फर्क पता है। हमारे होटल मैनेजमेंट के दिनों में हर बंदा नए नए टैटूज ट्राई करता था। मैंने भी एक दो ट्राई किए थे सर। उस टैटू में कोई निशान था फेमस सा? लोग कई तरह के टैटू करवाते ना, उस टैटू में कुछ ऐसा पर्टिकुलर डिजाइन या सिंबल था? ड्रैगन, शेर, सांप या कोई लेटरिंग, किसी का नाम, कुछ भी? वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं ठीक से देख नहीं पाया था सर। जैसे उस आदमी ने पहली गोली चलाई, मैं डर के मारे नीचे झुक गया था और फिर गाड़ी से नीचे उतर गया था। बरसों तक तो हमारे साथ थे वापी में। 22 की सुबह गौरव और जानवी दोनों वापी से निकले पुणे आने के लिए। गौरव को डर था कि पीछा हो रहा है उसका। कोई पीछा कर रहा था गौरव का? वापी से पुणे तक? कोई गौरव का वापी से पुणे तक पीछा कर सकता है? कोई है सर? कोई रंजिश, झगड़ा, कोई धमकी? धमकी किसने दी? योगेश। योगेश मेरे साले का लड़का है। 2 हफ्ते पहले वो घर आया था और मुझे धमकी देकर गया कि वो गौरव को जान से मार देगा। फूफा जी, यहाँ इसी आंगन में अपने बेटे गौरव को लेटा हुआ देखोगे आप, आपकी आंखों के सामने मार डालूंगा आपके गौरव को। और ये धमकी नहीं दे रहा हूं, वादा है मेरा, वादा। लो, आ गया तुम्हारा भतीजा। लोकेश, दिखा दिन अपनी असली औकात तूने। अबे निकम्मे, जब शराब अंदर जाती है तो गंध ही बाहर आती है, तो मत पिया कर इतनी, समझा? और जिंदगी में किसी से इतना भी नहीं जाते। अब दफा हो जाए यहां से। योगेश, मैं अभी भैया को फोन लगा रही हूँ, आकर ले जाए अपने इस कलंक को, वरना मैं पुलिस में फोन करूंगी। ओ बुआ जी, पुलिस की धमकी देके अपने बेटे गौरव को बचा नहीं सकोगी आप। आपके बेटे गौरव के छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा, ये बात तय। जितना घमंड भरा है सब निकाल डालूंगा। कीड़ों की तरह रेंगते हुए दिखोगे मेरे को आप लोग। गौरव गौरव छाती पीटोगे अपनी छाती, लेकिन गौरव जिंदा नहीं होगा। यही थी वो कार, I'm sure। और सर नंबर भी वही है, MH04XR4H37। साफ साफ नजर आ रहा है। बट सर कार में कौन है, कितने लोग बैठे हैं, ये क्लियर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लंच के बाद हमने जानवी को उसके ऑफिस ड्रॉप किया, उसके बाद मैं और गौरव उसके घर के लिए निकल पड़े। इस पॉइंट तक भी गौरव ने नोटिस नहीं किया कि ये सेडान कार उसका पीछा कर रही थी? पता नहीं सर, लेकिन इस पॉइंट तक गौरव ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। तुम्हारी नजर में भी नहीं आई थी ये कार? मैडम क्यों और कब नजर आती,
मुझे तो सिर्फ तब पता चला जब गौरव ने अचानक से विनोद को मैसेज करने को कहा। सर मैंने तो उस कार को पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। शायद तुमसे कुछ बताने में छूट गया या फिर जानबूझकर नहीं बताया, अभी तक छुपा रहे हो। सर मैं क्यों छुपाऊंगा सर? गौरव ने तुमसे अपने मामा के लड़के योगेश मिश्रा का जिक्र नहीं किया कभी? किस बारे में सर? 2 हफ्ते पहले योगेश ने गौरव के फादर को धमकी दी थी कि उनके बेटे गौरव को जान से मार डालेगा। मुझे नहीं पता, गौरव ने इस मैटर के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। गौरव मेरी बहन का लड़का था, भाई था तेरा। पापा मैंने गौरव को नहीं मारा, मैं तो वापिस से हिला तक नहीं। फूफा जी जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। अरे हदे, आप तो मारे जा रहे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि गलती इसी की है? गलती नहीं रानी, गुनाह हुआ है, गुनाह। और ये मैंने नहीं किया है। मेरे 2 थप्पड़ क्या इससे सच बुलवाएंगे? पुलिस आ रही है, पुलिस के डंडे पड़ेंगे तब ये सच बोलेगा। जा कहा रहा है योगेश, तूने एक मौका नहीं छोड़ा मेरी इज्जत उछालने का। पापा मुझे मम्मी की कसम मैंने ये नहीं किया है। मेरी कसम खा के योगेश झूठ नहीं बोलेगा। तू बैठ यहाँ। पापा मैं तुझे कहीं नहीं जा दूंगा, बैठ। क्या कर रहे हैं आप? तू बीच में मत आ, पुलिस आ गई, जा दरवाजा। पापा जाने दीजिए मुझे, तू बैठ। केस के इस मोड़ पर योगेश मिश्रा हमारा मुख्य संदिग्ध था। हालांकि धीरज के वर्णन के आधार पर जो स्केच बनाया गया था वो योगेश की सूरत से दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा था। हमारा बनाया गया स्केच अखबारों में छपा था और जगह जगह लगाया गया था। उम्मीद थी कि स्केच देखकर किसी न किसी की नजर में कुछ ना कुछ खटकेगा जरूर, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अभी आगे हमारे रास्ते में ऐसे और घुमावदार मोड़ आने वाले थे जो कल्पना और समझ दोनों के परे थे। ये नंबर जो है MA04XR4H37 रजिस्टर तो है, पर ये एक SUV का नंबर है, किसी सेडान कार का नहीं। मतलब ये नंबर जाली नहीं है? नंबर रजिस्टर है पर SUV का है। ये SUV किसी महेंद्र सुर्वे का नाम रजिस्टर है। यहाँ एड्रेस कल्याण का दिया गया है। सर थाना RTO के रिकॉर्ड के हिसाब से इस महेंद्र सुर्वे की गाड़ी SUV है, जबकि अटैकर सेडान में आए थे। फिर भी कलेक्शन चेक करो। राजलक्ष्मी, गौरव के दोस्त धीरज पर नजर रखवाओ, इसकी कहानी ठीक से दिमाग में बैठ नहीं रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कातिल ने चश्मदीद गवाह पीछे क्यों छोड़ा। जानवी से बात करनी होगी। अगर गौरव ने दावे के साथ विनोद को यह मैसेज करवाया कि उसका पीछा किया जा रहा है, उसे जान से मार डालेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बारे में उसने अपनी पत्नी जानवी को एक शब्द ना बोला हो? ये सब कैसे हो गया बलराज जी? क्या बताया अखिलेश, इसका भतीजा है योगेश, हमारे गौरव की जान ले लेकर तो कभी सोचा ही नहीं था। ये तो आपको सोचना चाहिए था बलराज जी। आपके सामने गौरव को जान से मारने की धमकी दी थी योगेश ने, और आपने पुलिस में शिकायत करना भी जरूरी नहीं समझा। हमें लगा कि शराब के नशे में बक गया, और ऊपर से रिश्ते में ममेरा भाई लगता था गौरव का। गौरव मेरी इकलौती बेटी जानवी का पति था बलराज जी, ये रिश्ता कैसे भूल गए आप? गौरव के साथ साथ मेरी बेटी को भी जान का खतरा हो सकता था अगर वो उस समय उसके साथ होती। मम्मी मुझे नहीं लगता कि गौरव को भी पता था योगेश की धमकी के बारे में। हम 6 दिन थे वापी में, तब तो किसी ने नहीं बताया, ना गौरव को ना मुझे। अजीब बात है, अगर इतनी गहरी दुश्मनी थी तो तुम्हारे ससुर जी ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर शादी के पहले बता देते तो हमें भी सोचने समझने का मौका मिलता। नहीं सर, कार में से हमें सिर्फ धीरज और गौरव के ही फिंगरप्रिंट्स मिले। हमलावर ने ग्लव्स नहीं पहने थे। मैंने धीरज को क्रॉस चेक किया, उसका हाथ कार के दरवाजे पर लगा होगा, जिससे कि हमलावर के फिंगरप्रिंट्स मिट गए जो शायद कार के दरवाजे पर थे। सर हमने पूरे कार को डबल स्कैन किया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो आपको हमलावरों पर कोई लीड दे सके। गौरव साहब और उनके दोस्त को हमने बिल्डिंग से बाहर जाते देखा था, पर किसी सिल्वर कलर के गाड़ी को उनका पीछा करते हुए नहीं देखा। अच्छा, किसी आदमी को देखा था जो इस बिल्डिंग पे नजर रखे हुए हो?
कि कब गौरव घर से निकलता था, कब नहीं निकलता था। इसे बिल्डिंग के आसपास देखा है रेगुलरली? इसके दाहिने हाथ में टैटू भी है। नहीं मैडम, नहीं देखा। मेरी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तो 4 साल पहले हुई है। वो तो मुझे कागज पर दिख रहा है महेंद्र सुर्वे जी। इस सिल्वर सेडान पर भी सेम नंबर लगा हुआ है जो आपकी एसयूवी का है। ये देखिए, MH04XR4S37। जरूर RTO से कोई गलती हुई होगी या किसी फ्रॉड ने यूं ही नंबर बनाकर चिपका दिया होगा। इस सिल्वर सेडान का इस्तेमाल मर्डर में हुआ है जिस पर तुम्हारी एसयूवी का नंबर लगा है। अब अगर ये नंबर फर्जी भी है तो भी तुम्हारा ही नंबर क्यों? अगर किसी ने मेरा नंबर लगाकर कोई कांड कर दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये धीरज राणे, जानवी तिवारी, गौरव तिवारी, इनमें से किसी को जानते हो तुम? नहीं, किसी को नहीं जानता। सर हद से ज्यादा पी रखी थी उस दिन मैंने, इसलिए आधी बातें तो याद ही नहीं कि क्या क्या किया और क्या क्या बका। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि मैंने गौरव को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन सर वो सिर्फ धमकी थी। तेरी धमकी सच हो गई योगेश, गौरव मर गया, मारा गया। बैड लक है सर मेरा, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था गौरव को मारने का। ये तो बस बरसों की भड़ास निकल गई थी मुंह से। किस बात की भड़ास? तरक्की की भड़ास। मेरे माँ बाप से लेके गौरव के माँ बाप तक पूरी दुनिया तुलना करती थी मेरे और गौरव की। गौरव तो मतलब हीरो था सबके लिए। पढ़ाई में टॉप किया, टॉप की नौकरी मिली और फिर टॉप की बीवी भी, और एक मैं ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर सका। ग्रेजुएशन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं हो रही थी पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन कुछ तो करो। 28 साल के हो चुके हो तुम, तुम्हारी उम्र में लोगों के पैर जम जाते हैं। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब नौकरी कर रहा था, तुम्हें पाल रहा था, और ये भाई साहब हैं बस हवा में उड़ रहे, नशा कर रहे हैं। हाँ, बलराज भाई साहब का घर देखो, गौरव कितनी मेहनत करता है, कहां से कहां पहुंच गया है गौरव। बस इसी बात की वेट कर रहा था मैं कि कब महान गौरव आपके डायलॉग में एंट्री लेगा। आपके इसी कंपैरिजन की वजह से मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया। तो बैठ, मैं नाश्ता लाती। पापा कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का। पहले एक काम सिर्फ फूफा जी किया करते थे, मुझे जलील करते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, मेरे मजे लेते थे। लेकिन अब तो आपने भी ज्वाइन कर लिया हमको। गौरव 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 नहीं बनना मुझे गौरव के जैसा। गौरव का नाम सुन तो मेरा भेजा सुन पड़ जाता है। भेजा खराब हो गया था मेरा, फिर भी सब कुछ भुला के गौरव की शादी में शामिल हुआ और वहां पे थोड़ी सी पी क्या ली, इस बलराज फूफा ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया मुझे, पूरी बारात के सामने, और ऊपर से मेरे पापा ने भी ज्वाइन कर लिया, गालियां दी मुझे गंदी गंदी। किसी को सलाह देने की आड़ में तानों से, गालियों से जलील करके इतना दबा दिया जाए कि वो उन तानों को सच समझने लगे तो उस बंदे की लाइफ में अच्छा तंबूरा होगा। इसलिए गौरव को मार डाला। इससे क्या अच्छा हुआ तेरी लाइफ में? आप भी ज्ञान बांट लो सर, किसी का खून कर आज तक कभी किसी का भला हुआ क्या? ये मेरे सामने ना ज्यादा स्मार्ट मत बन। जब वापी पुलिस गई थी तेरे घर, वहां से तुझे घसीटने, तो एक मुजरिम की तरह अपने बाप को धक्का देकर भागने पर चला था तू। सर अगर भागना ही होता तो 23 की शाम को ही भाग जाता, जिस दिन गौरव के मर्डर की खबर पता चली थी। सीधी सी बात थी ना सर, मैंने गौरव को जान से मारने की धमकी दी थी तो सीधा शक तो मेरे पे ही आना था, तो भाग जाता ना मैं। इतनी हैकड़ी मत दिखा मेरे सामने, नहीं तो तेरी दोनों टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। उसके बाद भागना तो दूर, खुद चल के टॉयलेट भी नहीं जा पाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, गौरव का कातिल पकड़ा जाएगा? या आप लोग ये चाहते हैं कि मेरी टांगे तुड़वाने के बाद मैं ये कबूल कर लूं कि मैंने गौरव को मारा है, ताकि आप ये केस क्लोज कर सकें, आराम कर सकें, और मेरे बाप को भी कोई दुख नहीं होगा क्योंकि वो तो मान चुके हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। सर मैं सबके तानों से, दिन रात के कंपैरिजन से तंग आ चुका था, इसलिए शराब के नशे में मैंने गौरव को जान से मारने की धमकी दे दी। गलती की कबूल करता हूं, लेकिन मैं गौरव को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर गौरव को मारना ही होता तो बहुत पहले मार चुका होता, शायद बचपन में ही, क्योंकि तब से नफरत करता हूं इस गौरव से मैं। और दूसरी बात, अगर मारना ही था तो वहां वापी में ही मार डालता, जब गौरव अपनी पत्नी जानवी के साथ वहां पे आया था। इतनी दूर पुणे में आके इतना खर्चा करके क्यों मारता? फाइनेंसिंग कौन करता, मेरा बाप या गौरव का बाप? जानवी हमारी फर्म में कंपनी सेक्रेटरी है, इससे पहले वो हमारे हैदराबाद डिवीजन में थी, आर्टिकलशिप भी वहीं से की। अभी 3 महीने हुए उसे हैदराबाद से पुणे ट्रांसफर लिए हुए शादी के कारण। शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए और जानवी के हस्बैंड गौरव का मर्डर हो गया। सुनकर पूरे ऑफिस को कैसा शॉक लगा क्या बताऊँ आपको। अच्छा देवांग जी,
ये जानवी अपने हस्बैंड गौरव का मर्डर क्यों करवाएगी? क्या ये क्या करें आप? देवांग जी, हम जानवी की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकते। तो क्या आर्टिकलशिप के दौरान हैदराबाद में या फिर पुणे में ट्रांसफर के बाद आपने जानवी के प्राइवेट लाइफ के बारे में कभी भी कुछ भी सुना? देखिए मैम, मैं इस कंपनी में अकाउंट सेट हूँ, कोई जासूसी कंपनी का ऑफिसर नहीं जो लोगों की प्राइवेट लाइफ पर नजर रखूं। अब आप हमारे लिए थोड़ी सी जासूसी कीजिए। आप जानवी के कलीग से बात कीजिए और उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जो भी खबर निकल सके आप वो निकाल के हमें दीजिए। देखिए देवांग जी, मैं आपसे पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं बोल रही। हर ऑफिस के हर डिपार्टमेंट में गॉसिप्स तो होती हैं, बस वो गॉसिप मुझे सुननी है। जानवी जी, आपके हस्बैंड गौरव की बॉडी हम कल हैंडओवर कर देंगे, उसकी एसयूवी भी, हमने पूरी स्कैनिंग कर ली है। जानवी जी, क्या गौरव ने कभी किसी किस्म के खतरे का जिक्र किया था आपसे जो महसूस कर रहा था? जी नहीं सर। आपके ससुर बलराज जी से जब हमने कहा कि गौरव का पीछा किया जा रहा था तो उन्होंने तुरंत हमसे पूछा कि क्या कोई वापिस से पीछा कर रहा था गौरव का? क्या हुआ गौरव? नहीं कुछ नहीं। गौरव चेहरा देखो अपना, टेंशन में लग रहे हो। जानते वो कार देख रही हो? हाँ, क्या हुआ उसमें? क्या वो कार विरार के उस ढाबे पर भी थी जहाँ पर हम लंच के लिए रुके थे? गौरव, तुम क्या चाहते हो कि अब मैं ऐसी चीजों पे नजर रखूं? आर यू सीरियस? और क्या प्रॉब्लम है उस कार में? कुछ नहीं, छोड़ो, भूल जाओ। मैंने तो वो बात भुला ही दी थी सर, लेकिन जब ये बात सामने आई कि गौरव ने अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड को मैसेज किया, धीरज को बोला कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो मैंने भी इस बारे में बहुत बार सोचा कि क्या वाकई में कोई हमें फॉलो कर रहा था जब हम पुणे लौट रहे थे। इस बात पर फिर से आपकी कोई बात नहीं हुई गौरव से? नहीं सर, हम जब घर पहुंचे तो काफ़ी थके हुए थे इसलिए जल्दी सो गए। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस के लिए निकल गई, गौरव धीरज से मिलने वाला था, उसके बाद हम सब लंच के लिए मिलने वाले थे मेरे ऑफिस के पास। गौरव और धीरज कोई जॉइंट वेंचर कर रहे थे? होटल बुकिंग वेबसाइट का स्टार्टअप कंपनी? जी सर। आपकी नई नई शादी हुई थी, गौरव अपनी सारी प्रोफेशनल और पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करता था? हाँ सर। तो फिर जब उसे मालूम था कि ना सिर्फ उसका पीछा किया जा रहा है बल्कि वो मारा भी जाएगा, जो बात उसने विनोद को भी बताई मैसेज पर, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सीरियस बात का जिक्र उसने आपके साथ नहीं किया? इसका मतलब कुछ तो था जो आपसे छिपा रहा था। शादी के कितने समय पहले से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? शादी के 6 महीने पहले जब एंगेजमेंट हुई थी तब से। और धीरज को? 4-1 महीने से, जब हैदराबाद में थी तब गौरव ने धीरज से सोशल नेटवर्क पर मिलवाया था, और जब मेरा पुणे ट्रांसफर हुआ तब हम सब पर्सनली मिले थे। लेकिन सर, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा धीरज के साथ कोई अफेयर है। मैंने तो अफेयर के बारे में पूछा ही नहीं जानवी जी। बिना पूछे बिना बताए काफी कुछ बयां हो जाता है सर। चलो पूछ लेता हूँ, आप उज्जैन से बिलोंग करते हैं जहां से कॉलेज किया आपने, उसके बाद हैदराबाद से आर्टिकलशिप सीएस की, इन दोनों शहरों में कोई अफेयर्स? उज्जैन में कॉलेज के दौरान 2 बॉयफ्रेंड्स रहे थे मेरे, लेकिन इतना कुछ सीरियस नहीं था सर। कौन सीरियस नहीं था, आप या वो? दोनों सीरियस नहीं थे सर, और इसका असर मेरी शादी पर नहीं पड़ने वाला था। स्टॉकिंग की कोई वाकयात जिसकी शिकायत की हो आपने कभी? नो। कोई साइलेंट चाहने वाला, एक तरफा प्यार? सर, साइलेंट और एक तरफा होता तो मुझे कैसे पता लगता? जानवी जी, आपकी शादी भी तो साइलेंट नहीं थी ना, एक तरफा थी, फिर भी आपको पता नहीं चला कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा था। काश मैं गौरव से पूछ पाती कि वो मुझसे क्या छुपा रहा था और क्यों छुपा रहा था। गौरव की कोई गर्लफ्रेंड्स, खास करके ऐसी जिसे छोड़कर उसने आपसे शादी की? मुझे नहीं पता सर, और गौरव ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे, और ना ही ऐसा कुछ मैंने सेंस किया। जानवी जी, वो क्या कारण था जिसको लेकर गौरव इतना डर रहा था जो उसने आपको भी नहीं बताया? भाई चांस आपको पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। Thank you.
आगे ले जल्दी, मेन रोड लग जाएगी तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ भी। अपने बेटे को अग्नि दिए हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए, उसकी अस्थियां भी ठंडी नहीं हुई अब तक। आपका दर्द मैं समझ सकता हूं बलराज जी। आप नहीं समझते, समझते तो ये बात ना छेड़ते। मतलब ये आपने सोचा भी कैसे? बलराज जी आपने बेटा खोया है तो मैंने भी तो अपना दामाद खोया है। मेरी बेटी ने अपना पति खोया है बलराज जी। आप ये मत समझिए कि हमें कुछ महसूस नहीं होता। जो बात आपने छेड़ी है समधी जी, उसे तो ये लगता है कि आपको रत्ती भर भी दुख नहीं है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ मतलब है, सिर्फ मतलब। सर, धीरज राणे, जानवी तिवारी, योगेश मिश्रा, यहां तक कि खुद गौरव के कॉलिकॉर्ड छाने पूरे 6 महीने के, लेकिन सर कहीं से कोई साजिश का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। पर साजिश तो हुई थी, गौरव को डर लग रहा था अपनी जिंदगी के लिए। सर गौरव ना तो कर्ज में डूबा था, ना ही कोई मेजर लेनदार था। इनफैक्ट इसका पार्टनर धीरज, उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन निकाली मैंने, सेम टू सेम। ये दोनों होटल मैनेजमेंट में बैचमेट्स थे, फिर इन दोनों ने 2 अलग अलग ग्रुप्स में 3 साल तक जॉब एक्सपीरियंस लिया और अब ये दोनों जॉइंट वेंचर करने जा रहे थे। और वो सिल्वर सेडन कार जो पीछा कर रही थी उसकी कोई खबर? कभी लगे हुए सर, लेकिन अभी तक कोई टिप नहीं मिली है। मैडम, पिंटू और मोहिनुद्दीन दोनों बारी बारी धीरज पे स्पॉट डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मूवमेंट मिली नहीं जिसमें किसी को मिल विल रहा हो या सुपारी का पैसे डिलीवर करने जा रहा हो। कहीं ना कहीं से तो कोई टिप लेके आ। एक बात बोलूं मैडम, समझो गौरव को पहले ही पता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, शायद पहले भी 2-3 बार फील्डिंग की होगी। अब जब उसको लगा कि भाई आज गेम होने ही वाला है तो बाजू में बैठे अपने फ्रेंड धीरज को एक रिपोर्टर को मैसेज करने क्यों बोलेगा? सीधा सीधा पुलिस स्टेशन फोन लगाता ना। अच्छा, अब डायरेक्ट मुझ पे शक। सर गौरव ने मुझे मैसेज क्यों किया था ये तो मुझे भी नहीं पता, और ये सब मैं पहले ही आपके PSI मोरे को बता चुका हूं। फिनो, तुम गौरव को अच्छी तरह से जानते थे, और धीरज को? सर धीरज को मैं पहली बार उसी दिन हॉस्पिटल में ही मिला था। अब आप मेरी और धीरज की कोई कॉन्स्पिरेसी के बारे में सोच रहे हैं? विनोद, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गौरव ने धीरज को मैसेज करने के लिए कहा था, या फिर गौरव ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं और धीरज ने अपनी स्टोरी बना ली। सर गौरव ने धीरज को कहा था मैसेज करने के लिए या धीरज ने खुद से मैसेज किया ये मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ मैसेज आया था। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं विनोद को नहीं जानता हूं तो नहीं जानता हूं। गौरव ने तुम्हें विनोद को ही मैसेज करने के लिए क्यों कहा, पुलिस को कॉल करने के लिए क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम सर, मैं तो उस वक्त इतना हड़बड़ाया हुआ था, सब कुछ इतनी अचानक से हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। MH04XR4H37 मुझे मार डालेंगे ये लोग। और इसके पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता, वो सेडान कार ओवरटेक करके सामने आ गई और वो टैटू वाला आदमी बाहर निकला और उसने फायर करना चालू कर दिया। तुम दोनों कॉलेज में साथ में थे, तुम और गौरव काफी क्लोज फ्रेंड थे। जानवी तो गौरव को सिर्फ 8 महीने से जानती थी, लेकिन तुम्हारी दोस्ती तो सालों पुरानी थी ना। हाँ सर। तो ये धीरज, ये गौरव को उसकी जान का खतरा था ये बात उसने जानवी को नहीं बताई, ठीक है मान लेते, लेकिन तुम्हारी इतना क्लोज फ्रेंड होने के बावजूद भी ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई, जबकि तुम दोनों जॉइंट वेंचर शुरू करने वाले थे, दिन भर साथ में रहते थे। आखिर बात क्या थी, किस बात का खतरा था, कोई पैसों का लेन देन, कोई डील? सर गौरव ने ऐसी कोई डील नहीं की थी जिसमें कोई भी झोल हो। गौरव ने वाकई में विनोद को ही मैसेज करने के लिए कहा था तुम? सर आपको लगता है कि मैंने गौरव को मरवाया? मर्डर से ठीक 1 दिन पहले वापिस से लौटते वक्त गौरव को लग रहा था कि कोई गाड़ी उसे फॉलो कर रही है, उसकी जान को खतरा है, लेकिन अटैक उस दिन नहीं हुआ। और वो कोई मैं था, यही कह रहे हैं आप? तुम दोनों ने जानवी को ऑफिस ड्रॉप किया, उसके बाद से ही पीछा शुरू हुआ, गाड़ी पर अटैक हुआ, गोली चली और तुम गाड़ी में नीचे छुप गए और बाहर निकल गए। सर आपको लगता है कि मैं और जानवी? हाँ लगता है। सर गौरव मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मेरा बिजनेस पार्टनर भी, और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के साथ? लंच का अरेंजमेंट किसने किया था, तुमने और जानवी ने? क्या उस SUV में आने के लिए जानवी ने कहा था तुम्हें?
मुझे कोई आइडिया नहीं। एसयूवी में आने के लिए जानवी ने कहा था या नहीं वो उनके बीच की बात है। मैं बस इतना जानता हूं कि वो एसयूवी गौरव की नहीं है। गौरव की तो वो हैचबैक कार थी जिसमें वो और जानवी 17 सितंबर को साथ में वापी गए थे, और वापस लौटते वक्त वो एसयूवी में वापस आए थे। सर, मैंने गौरव से पूछा था कि क्या ये एसयूवी उसके पापा की है। क्या बात है, हैचबैक को वापी के किस पेट्रोल पंप का पेट्रोल पिलाया कि हैचबैक से सीधा एसयूवी? मेरी हैचबैक तो वापी में ही खड़ी है, ये पापा के घर में खड़ी थी तो मैं उठा लाया। नॉट बैड भाई, सुपर्ब है। तो वो एसयूवी हमेशा नहीं रहती थी पुणे में गौरव और जानवी के पास? नहीं सर, ये तो वो वापी से लेकर आए थे। और इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम हमें इतनी देर के बाद बता रहे हो? बलराज जी, क्या वो एसयूवी जिस पर अटैक हुआ था, उस एसयूवी को गौरव और जानवी आपके घर वापिस यहाँ पुणे लेकर आए थे? क्या वो एसयूवी इन लोगों के पास पहले से नहीं थी? गौरव और जानवी जिस दिन लौटने वाले थे उसके एक दिन पहले गौरव की गाड़ी खराब हो गई। मैंने यहां ठीक कराने दी थी लेकिन बारिश तक ठीक नहीं हो पाई। मैंने कहा दो दिन और रुक जाइए, वैसे भी सैटरडे संडे जानवी का ऑफिस नहीं होता है, उसे सिर्फ तेज को अटेंड करना था। मैंने कहा संडे सुबह निकल जाना आप लोग। तो फिर रुके क्यों नहीं? जानवी को तेज को कुछ जरूरी काम था ऑफिस में, उसने जिद की कि वो 22 को ही जाना चाहती। अगर जानवी 22 को निकलने के लिए जोर नहीं देती तो क्या गौरव रुक जाता? और नहीं तो क्या। एक और बात आपको साफ साफ बता दूं सर। जी बोलिए। ये जानवी कोई दूध की धुली नहीं है सर, मेरे बेटे के कत्ल में उसका हाथ है। धीरेज को मैं ज्यादा नहीं जानता सर, लेकिन जानवी जरूर किसी के साथ चक्कर चला रही थी। वैसे योगेश के बारे में भी आप काफी पक्का थे और कम से कम धमकी वाला सुराग भी था आपके पास, ये जानवी के बारे में क्या है आपके पास? मेरे बेटे के कत्ल को अभी 10 ही दिन हुए, सिर्फ 4 दिन हुए उसके क्रियाकर्म को, लेकिन जानवी ने आग ठंडी होने का इंतजार नहीं किया, चली गई अपने पिताजी के साथ। बलराज जी, इस वक्त मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच सकता हूँ। जो इस घर की बहू है, मेरे बेटे की विधवा है। ये विधवा शब्द का प्रयोग आप ना करें बलराज जी, प्लीज। जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस दुख के साथ मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी बिता दे ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। क्या जानवी भी यही चाहती? आपकी बेटी होती तो वो भी यही चाहती बलराज जी, और अगर जानवी ना मानती तो मैं इस तरह मना लेता उसे। और दूसरे दिन जानवी ने अपना पूरा सामान बांध लिया और अपने पिताजी के साथ उज्जैन लौट गई अपने मायके हमेशा के लिए। और परसों जानवी के पिता ने अपने ड्राइवर भेजा था उज्जैन से वो एसयूवी वापस ले जाने के लिए। एसयूवी वापस ले ली, क्या मतलब? वो एसयूवी जानवी के पिता अखिलेश जी ने गौरव को गिफ्ट दी थी। दहेज? वो जो समझना है समझिए सर, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, ये जानवी है मेरे बेटे के मर्डर के पीछे, सारा कुछ प्लानिंग से हुआ है, भयंकर साजिश रची गई थी। जरूर कोई गड़बड़ खिचड़ी पक रही थी। गौरव की गाड़ी वापी में खराब हो जाती है, फिर गौरव और जानवी वहां से एसयूवी लेकर वापस लौटते हैं। गौरव के फादर बलराज माने या ना माने, लेकिन ये एसयूवी जरूर दहेज का हिस्सा है। सर, अगर दो मिला तो ये एक एंगल बनता है कि जानवी को गौरव और योगेश की दुश्मनी पहले से पता होगी, उसने शायद योगेश के साथ हाथ मिला लिया। अब वापी में गाड़ी का खराब होना वगैरह या तो ये योगेश ने खुद किया हो या किसी और से करवाया हो। और पुणे में गौरव का मर्डर भी? सर, इस योगेश के दोस्तों की लिस्ट निकाली मैंने, हर दूसरा दोस्त क्रिमिनल बैकग्राउंड का मिला है। पापा, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज रही हूँ। अब कुछ दिन बिल्कुल आराम करना बेटा, कुछ भी मत सोच। और मैं तो कहता हूँ बेटा, किसी और के लिए काम क्यों करना, हमारी ही कंपनी ज्वाइन करो, जब भी काम करने का दिल करे तब। जी पापा। एक बार तुम्हारा काम वाम शुरू हो जाए, तुम थोड़ा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दो, फिर हम दोबारा लड़के देखना शुरू करेंगे तुम्हारे लिए। और हाँ बेटा, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो मुझे बता देना।
से जानवी के ऑफिस गॉसिप से खबर तो निकल आई है बट धुंधली है। लड़का है कोई? कलीग, सतीश जोशी नाम है, जानवी के ही ऑफिस के लीगल डिपार्टमेंट में काम करता है। अब इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ये तो नहीं मालूम, पर सतीश जोशी और जानवी ये हैदराबाद में दोनों साथ में थे। अफेयर था दोनों के बीच? वो तो नहीं मालूम, पर एक बात है जो थोड़ी ऑड है। जानवी ने 3 महीने पहले हैदराबाद से पुणे ट्रांसफर लिया ये कह के कि उसकी शादी है और उसे यहीं सेटल होना है क्योंकि उसका हस्बैंड यहाँ रहता है। और ये सतीश जोशी भी, ये भी 2 महीने पहले ही हैदराबाद से ट्रांसफर लेके यहाँ आया है। हाँ बोलो, हाउ आर यू? मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वापिस से पुणे के रास्ते पर इस एसयूवी का पीछा हो रहा था, शायद सुपारी किलिंग वहीं होनी थी और चांस मिस हो गया। सर प्लानिंग यहीं की रही होगी कि सब कुछ पुणे के बाहर ही कर दिया जाए और जब नहीं हो पाया तो डेस्परेट होकर अगले ही दिन मार दिया। सतीश जोशी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलवाओ, उसकी बैकग्राउंड, फोन रिकॉर्ड सब कुछ निकलवाओ, जानवी को भी बुला दे। इस बार जानवी से शोक मनाती विक्टिम की पत्नी की तरह नहीं बल्कि इस मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट की तरह सवाल। सर यहाँ हम सब एंगल्स टटोल रहे हैं जिसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि निशाना गौरव ही था। जानवी तो निशाना हो नहीं सकता क्योंकि उस वक्त वो एसयूवी में नहीं थी। तुम कहना चाहती हो कि निशाना धीरज रहा होगा लेकिन मारा गया गौरव? नो सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वापी में एसयूवी किसके पास थी? गौरव के फादर बलराज के पास, तो शायद निशाना गौरव के फादर बलराज रहे हो। लेकिन गौरव को बलराज समझने की गलती होना थोड़ा मुश्किल है, ऊपर से इतनी नजदीक से गोलियां चलाई गई थी। सर वापी से पुणे बलराज गाड़ी में है, शायद ये समझ के उन्होंने फॉलो किया हो। फिर जब रास्ते में कंफर्म हो गया हो कि वो बलराज नहीं है तो उन्होंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया होगा। फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि बाप ना सही बेटा सही, बेटे को मारकर बाप को गोली से भी ज्यादा भयंकर घाव देना चाहते हो। जी हाँ, सिर्फ 2 साल पुरानी है। हाँ हाँ सेकेंड हैंड है पर एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। आपको जब भी देखनी हो मुझे कॉल करो। ओके। इस षड्यंत्र की नींव वो एसयूवी गाड़ी थी जो जानवी के उज्जैन लौटने के बाद उसके पिता ने वापस मंगवा ली थी। अब हम इस कत्ल के प्लान के पीछे पड़ने वाले थे और उस सब के पीछे जो प्लान के हिसाब से हुआ और जो नहीं हुआ। हमारे सामने कई एंगल्स खुले तो थे पर उनमें से कोई एक भी अभी तक ठोस नहीं लग रहा था। तो आप मुझसे बात करना चाहते हैं जानवी के बारे में? आप दोनों हैदराबाद में कलीग थे, फिर दोनों ने पुणे में ट्रांसफर ले लिया। तो या तो मैं आपके ऑफिस आ सकती हूँ या आप यहाँ आ सकते हैं, फेस टू फेस बात करेंगे, चॉइस आपकी है। इंस्पेक्टर, जो आप जानना चाहते हैं वो सब बता तो दिया है मैंने, अब और क्या पूछना है आपको? जब तक आपके पति का मर्डर केस हल नहीं हो जाता तब तक हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे जानवी तिवारी। क्या पूछना है आपको? आपको यहाँ आना होगा। फोन पे क्यों नहीं? हमें आपका फोन भी चाहिए। मेरा फोन? लेकिन क्यों? क्योंकि आपका फोन शायद गवाह है आपकी 2 महीने की शादी का। देखिए सर, आप प्लीज ये पहेलियां मत बुझाइए। जितनी जल्दी आपको है कि मेरे हस्बैंड का कातिल पकड़ा जाए उतनी ही जल्दी मुझे भी है। तो फिर तुरंत यहाँ जाइए पुणे फोन के साथ। सॉरी सर, मैं पुणे नहीं आ सकती, उस शहर से मेरी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई हैं और मैंने अपनी जॉब से भी रिजाइन कर दिया है। अगर आप पुणे नहीं आई तो हम उज्जैन आ जाएंगे, फिर शायद उज्जैन में भी आपकी बुरी यादें तैयार हो जाएंगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं सर? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं वो कौन था जो गौरव को धमका रहा था। ये बलराज पुलिस को उकसा रहा है। डोंट वरी जानवी बेटा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जब हमारी कोई गलती है नहीं तो फिर टेंशन किस बात की? हाँ, मैंने पहले योगेश का नाम लिया और फिर जानवी का। क्यों? क्योंकि जानवी का असली चेहरा तो गौरव के जाने के बाद ही दिखा। जब घर छोड़कर गई तो चेहरे पर शिकन तक नहीं थी उसके कि भरी जवानी में विधवा हो चुकी है। बलराज जी, आपके कहने पर हमने योगेश की काफी छानबीन की और अब जानवी की बारी, हमें जानवी के साथ भी क्वेश्चनिंग करनी है, काफी सख्त। लेकिन उससे पहले आप हमें यह बताइए, यहां वापी में आपकी किसी के साथ कोई अनबन, कोई दुश्मनी? थैंक यू सर, ये आप योगेश को जाने दे रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये नालायक कहीं फरार हो गया तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा।
मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। सर मैं बिजली विभाग में ही काम करता हूँ, आसानी से मिल जाऊंगा आपको। वैसे जल्दी से हम किसी पर भरोसा करते नहीं हैं, पर इस वक्त मैं आप पर कर रहा हूँ। जब भी हमें योगेश की दोबारा क्वेश्चनिंग करनी होगी तो आप खुद लेकर आएंगे इसे। थैंक यू मैडम। एक चीज होती है इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, और एक और चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हमारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। देखिए कुछ भी चोरी छुपे नहीं हुआ है। मैं और जानवी हैदराबाद में कलीग थे, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और मैं लीगल डिपार्टमेंट में। हमारे बीच में अच्छी बनती है। कितनी अच्छी? जितनी आपकी और आपके कलीग की बनती हो उतनी ही अच्छी। जानवी ने पुणे में ट्रांसफर ले लिया तो आपसे रहा नहीं गया, तो आपने भी ट्रांसफर ले लिया, उतनी अच्छी। जानवी के हस्बैंड गौरव के मर्डर केस में आप लोगों को कोई सुराग नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लेकिन मैंने गौरव का मर्डर नहीं किया है और ना ही मेरा जानवी के साथ अफेयर है। अभी तक तो हम वहां पहुंचे भी नहीं। जानवी तो खैर शादी के बहाने पुणे आ गई, आपका क्या बहाना था? कोई बहाना नहीं है। मेरे बाबा को 6 महीने पहले हार्ट अटैक आया था, मेरे मॉम डैड पनवेल में रहते हैं और मेरे पुणे ट्रांसफर लेने का यही रीजन था ताकि मैं हर वीकेंड्स पे अप डाउन कर सकूं, उनकी देखरेख कर सकूं। अब आप मुझसे मेरे बाबा के हार्ट अटैक का सबूत मांगेंगे? बिल्कुल वकील साहब। उस हॉस्पिटल का नाम जिसमें फादर का ट्रीटमेंट हुआ, उस डॉक्टर का नाम और पेरेंट्स का नंबर और एड्रेस। सर अगर मेरी किसी से दुश्मनी होती तो मुझे मार डालती, यहाँ वापी पुणे जाकर बेचारे गौरव को क्यों मार डाला? वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मेरी गाड़ी चला रहा था। क्योंकि आपने जानवी के पिता से बतौर दहेज मांगी थी। वही तो कह रहा हूँ सर, उन्हीं का किया कराया है सर। यहाँ से लौटते वक्त काफी परेशान था वो, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई गाड़ी उसे फॉलो कर रही है। ये सब जानवी की बनाई हुई कहानी है सर। पहले पीछा करने का हवा बनाया और फिर मरवा डाला मेरे बेटे को। जानवी का ही किया कराया है सब, उसी का, खा गई हमारे बेटे को वो। बलराज जी क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी दुश्मनी हो? उसने आपके जिगर के टुकड़े को इसलिए मार दिया क्योंकि वो आपको दर्द देना चाहता था। छोटी मोटी अनबन, छोटे मोटे डिस्प्यूट तो हर धंधे में होते ही रहते सर। बलराज जी एक एक करके सारे डिस्प्यूट, सारी अनबन के बारे में हमें बताइए। सर आप हमारे धंधे के पीछे पड़े हुए हैं, खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, ये सब कुछ जानवी का ही किया कराया। लोग तो दुश्मन की 13वीं तक भी रुक जाते हैं। आपका तो पति था गौरव? ये हमारा निजी मामला इंस्पेक्टर, प्लीज आप पॉइंट टू पॉइंट सवाल करें। आपके पति का मर्डर हुआ है जानवी तिवारी, गौरव के दाह संस्कार के बाद अगले दिन आपने अपना बैग पैक किया और उज्जैन के लिए निकल गई। 2 दिन में कोई औरत सब कुछ कैसे भुला सकती है, 48 घंटे। सर ये कोई सरकारी रूल है कि इतने दिन मिनिमम शोक मनाना ही चाहिए? इसके ससुराल वाले तो चाहते थे कि ये उन्हीं के घर में रहे, घर की बहू बनकर सेवा करे उनकी। सिर्फ 25 की है जानवी, इसकी पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। 24 और 25 सितंबर की आप छुट्टी ले सकते थे, लेकिन आपकी जिद थी कि नहीं 23 की मीटिंग आपको अटेंड करनी ही करनी है। ऐसा क्या अर्जेंट था जो आप मंडे 26 सितंबर तक पुश नहीं कर सकते थे? सर मैं CS हूँ, एक कॉरपोरेट कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव थी, वो भी नए ट्रांसफर पर। पूछे मेरे बॉसेस से कितना जरूरी था मेरा वहां 23 सितंबर को होना। वो हम पूछ चुके हैं जानवी तिवारी। जी हाँ, बहुत जरूरी मीटिंग थी। 23 का 26 नहीं हो सकता था? बिल्कुल नहीं, नो चांस। और जानवी के बिना मीटिंग नहीं हो सकती थी? अब सर वो मैं नहीं कहूँगा, कॉर्पोरेट सेटअप है, स्टैंड बाय में तो लोग रहते ही हैं, लोग बीमार पड़ते हैं यू नो। तो टेक्निकली जानवी बीमार पड़ सकती थी, मीटिंग स्किप कर सकती थी, राइट? वेल हाँ, अपनी टीम के साथ मीटिंग अटेंड करना ये कम्प्लीटली उसका और उसकी टीम का डिसीजन था। आपकी टीम से भी बात हुई हमारी, उनका कहना है कि 23 तारीख की मीटिंग कोई जिंदगी और मौत वाली नहीं थी। तो अब आप मेरी बेटी को कातिल करार देंगे सिर्फ इतनी सी बात के लिए? इन्हें जो करना है करने दीजिए पापा, मैं नहीं डरती। इन लोगों को भी समझना चाहिए कि गौरव को भी जल्दी थी उस दिन आने की, वो बिल्कुल ओके था मेरे फैसले से, उसे भी जल्दी लौटना था, मीटिंग थी उसकी धीरज के साथ। पर एक दिन पहले गौरव की कार अचानक बंद पड़ गई और आप लोगों को SUV लेकर निकलना पड़ा। सर वापिस से पुणे लौटने के कई तरीके हैं, बस, ट्रेन, टैक्सी, और ये गौरव का डिसीजन था कि हम SUV से निकले। अगर वो जिद करता संडे तक रुकने की तो मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करवा देती, रुक जाती। सॉरी पर हमने तो कुछ और ही सुना है। जानवी की हर चाल हर पैतरा एक ही बात को लेकर था, किसी भी तरह 22 को निकल जाना है, वो भी नई गाड़ी में।
सर मैंने गौरव से कई बार कहा कि बेटा रुक जा, रो भी रुकने को तैयार था, पर आखिर में उसे सच बोली दिया कि जानवी नहीं रुकेगी, उसे 22 को जाना ही जाना है। सब कुछ पहले से तय कर रखा था उसने, मार डाला हमारे बेटे को। मरवाना होता तो वापी में ही मरवा देती सर, कहने में भी आसानी होती कि ऐसा कुछ कैसे करवा सकते हो। मुझे तो उस शहर का ABCD तक नहीं मालूम है। शायद उसे पता था वापी के बारे में ABCD से लेकर XYZ तक सब कुछ, जो आप पर मन बैठा था और बाद में मारने और मिटाने पर उतारू हो गया। अब ये आपने लाइन क्रॉस कर दी इंस्पेक्टर, चलो जानवी बहुत हो रहा है। बहुत हो चुका है, मर्डर हुआ है आपके दामाद का। रुकिए, अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी पूरी नहीं हुई है। जानवी तिवारी, क्या आपकी लव लाइफ में कोई और है? कोई नहीं था सर, और ना कोई है, और अगर मेरी लाइफ में कोई और होता सर तो मैं गौरव से शादी क्यों करती? जानवी का हर फैसला उसका अपना रहा है और आगे भी रहेगा इंस्पेक्टर। हाँ, रही बात किसी कॉलेज टाइम पागल लवर की, तो मैं मानता हूं कि ऐसा होता होगा और केसेस में, पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो बेटा, मेरा फोन प्लीज। अभी नहीं, 2 दिन लगेंगे फोन की स्कैनिंग में, और हां तब तक पुणे में ही रहिएगा, दोबारा जरूरत पड़ेगी आपकी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, सारा सी भी नहीं। हाँ ऑफिस खाली कर दिया है, चाबियां भिजवा रहा हूं, मुझे मेरा डिपॉजिट कब तक मिल जाएगा? OTP 1698। हॉस्पिटल घर A to Z हर जगह इंक्वायरी की मैडम। ये सतीश जोशी, इसके डैडी को रियल में हार्ट अटैक हुआ था अप्रैल में, और ये रियल में हफ्ते में 2-4 बार पुना पनवेल अप डाउन करता है, मतलब वो जो बोला वो सच है। तो झूठ कौन बोल रहा है ईश्वर? तू बोल रहा है कि सुपारी नेटवर्क से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप कुछ है ही नहीं तो क्या बोलेगा मैडम, गौरव का नाम तलक नहीं सुना किसी सुपारी वाली गैंग ने। पर मारा तो गया है ना, वो भी पूरे सुपारी स्टाइल में, और बंदे को पहले से खबर थी कि वो मारा जाने वाला है, तो माजरा क्या था? सिलवासा में एक छोटा सा प्लॉट है सर, गौरव के फादर बलराज उसकी डील कर रहे थे सर। उस प्लॉट के 2 पार्टनर्स हैं, जिग्नेश चावड़ा, हेमंत पारिक। बलराज का इन दोनों के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। इस डिस्प्यूट का मर्डर से कोई कनेक्शन दिख रहा है मोरे? इस जिग्नेश चावड़ा और हेमंत पारिक दोनों से बात की मैंने सर, सामने से कुछ बोल तो नहीं रहे। इन दोनों के पास 3-3 फोन नंबर्स हैं सर, कोई ड्रामा नहीं किया, तुरंत नंबर दे दिए और कहा किसी भी इंक्वायरी के लिए कभी भी तैयार है। और गौरव की हैचबैक कार? गौरव के फादर ने जिस मैकेनिक से कार ठीक करवाई थी उसने कहा कि कार के इग्निशन स्विच में प्रॉब्लम था, लेकिन कार सामने से जानबूझकर बिगाड़ी गई हो, ऐसा कोई साइन तो नहीं मिला उसे। सर, साइबर सेल और फॉरेंसिक टीम की फाइंडिंग है कि जानवी के फोन से कुछ फोटोज, वीडियोस और मैसेजेस डिलीट किए गए हैं। सर, फोटो के सीरियल नंबर से पता चला है कि डिलीशन है। फोन से डिलीट करने से वो सोच रही है कि काम हो गया। जानवी के फादर अखिलेश उज्जैन में बिजनेस बाहुबली है, तो उसने समझ लिया कि वो बच निकलेगी। व्हाट्सएप पास्ट रिकॉर्ड्स और फोन रिकॉर्ड्स से कुछ भी शो अप नहीं हुआ है, चैट्स के ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस पे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझसे एक बार भी पूछे बिना मनगढ़ंत स्टोरी छपवा दी अखबार में, बदनाम कर रहे हैं मुझे, और अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने मैसेजेस और वीडियोस क्यों डिलीट किए, यही है आपके इन्वेस्टिगेशन का तरीका? देखिए बलराज जी, गौरव का गुस्सा आप मेरी बेटी पर इतने भद्दे और घटिया तरीके से नहीं निकाल सकते। मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। अब मैं भी ये कतई नहीं होने दूंगा कि मेरे बेटे के हत्यारे आजाद घूमे। हाँ तो बेशक उन्हें पकड़वाइए, लेकिन मेरी बेटी उनमें से नहीं है बलराज जी। अरे वो पत्नी थी आपके बेटे की, और अब वो अपने भविष्य की सोच रही है। तो शादी से पहले सोचती है अपने भविष्य का, मेरे बेटे को मार कर कैसे सोच सकती है?
जानवी प्रेस हमसे पूछकर तो कुछ छापती नहीं। तो उन्हें पता कैसे चला कि मेरे फोन से मेरे ही फोटोज डिलीट किए गए हैं? हर सिस्टम में लीकेज होते हैं, पर मुद्दा यह है कि फोटोग्राफ्स, वीडियो और कुछ चैट्स क्यों डिलीट किए गए, वो भी मर्डर के तुरंत बाद। क्योंकि मुझे पता था सर कि आप लोग मुझे हरास करना शुरू कर देंगे, और वो फोटोज और वीडियोज बहुत प्राइवेट थे जो कि मेरे और गौरव के अलावा और कोई नहीं देख सकता। आप हमारी लेडी ऑफिसर के साथ बैठकर भी तो डिलीट कर सकती थी। अब तो शक और भी बढ़ता है कि क्यों और क्या डिलीट किया। शक होता है तो तहकीकात कीजिए, ढूंढिए मेरे खिलाफ सबूत, लेकिन इस तरह प्रेस की आड़ में मुझे बदनाम करना गलत है। मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। देखिए बलराज जी, आप ये बिल्कुल मत समझना कि मेरी जानवी अकेली है। मैं उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। पर मैं तो अब अकेला ही हूं। मेरे बेटे को मार जुड़ाला आप लोगों ने, तो मैं तो बाल की खाल निकालूंगा ही निकालूंगा। अगर मेरे बेटे की जगह आपकी जानवी मारी गई होती तो आप भी यही करते अखिलेश जी। जानवी को उसका फोन लौटा दो और उसके स्कूल लेवल से लेकर आज तक की लाइफ हिस्ट्री सब खोद निकालो। पक्का कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया है, जो इस केस का पासवर्ड है। सर जहां तक मैं जानता हूं, गौरव और जानवी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मुझे तो याद भी नहीं कि गौरव ने कभी भी जानवी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोला हो। तो जानवी ने कभी कुछ बोला हो तुमसे? कोई शिकायत, कोई अनबन? सर उनकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे और मेरा जानवी के साथ बड़ा ही फॉर्मल सा रिश्ता था। पर्सनल बातें करना तो बहुत दूर की बात है सर। तुमने कभी कुछ महसूस किया हो, कुछ देखा हो, कुछ सुना हो, कुछ भी? नहीं सर। नशा तो मैं करता हूँ सर, आपको कब से चढ़ने लगी? ओवर स्मार्ट मत बनिए योगेश, जितना पूछा गया है उतना जवाब दे। जो पूछा गया है वो वाहियात है सर, क्योंकि मैंने पहले धमकी दी थी इसलिए मुझे कातिल करार कर दिया गया गौरव का। और अब आप ये पूछ रहे हैं कि गौरव और उसकी पत्नी, जो भी नाम है उसका, उनके बीच में कोई झगड़ा था या नहीं? मतलब वो तो बेस्ट फ्रेंड थे ना मेरे, रोज सुबह उठ के पुणे से मेरे को कॉल करते थे। हालांकि गौरव ने अपनी शादी पे ढंग से बात तक नहीं की मेरे से, अपनी बीवी से इंट्रोडक्शन तक नहीं करवाया। मैडम हमने उज्जैन का एक कोना भी नहीं छोड़ा, कहाँ कहाँ नहीं तलाशा, लेकिन इस सबके बाद वो बात सामने आ गई है जो जानवी ने कहा था। 2 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं कॉलेज में, पर अब वो दोनों भी सेटल्ड है अपने अपनी लाइफ में। अभी जानवी किसी से मिलती है? नहीं मैडम, ये जानवी घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलती। जब से पूना से लौटी है मानो जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। हमने जानवी की हर बारीक से बारीक डिटेल ट्रैक की, इस उम्मीद में कि हमें कत्ल के मोटिव की कोई तो लीड मिले। अब हम इस दोहराए पर पहुंचे थे कि या तो जानवी अपना जुर्म एक पेशेवर से भी बेहतर छुपा रही थी, या फिर वो वाकई में निर्दोष थी। इंस्पेक्टर, क्या आपको कोई अंदाजा है कि आपने मेरी बेटी का नाम कितना उछलने दिया है? प्रिंट मीडिया ने तो उधम मचा ही रखा है, अब सोशल मीडिया पर भी इतनी गंदी ट्रोलिंग हो रही है कि जानवी को अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट करने पड़े हैं। हम इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं अखिलेश जी? हम बस एक संगीन जुर्म को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो हमारा काम है। तो क्या ये जुर्म नहीं है जो मेरी बेटी के साथ हो रहा है? सोशल मीडिया पर पब्लिक और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिस्ट्स सबने मिलकर मेरी बेटी का मुकदमा चला रखा है, और आप चाहे जितना भी ना कहें इंस्पेक्टर, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। कातिल को तो पकड़ नहीं पाया, ऊपर से आपके सिस्टम से ऐसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लीक होती है जिसका नतीजा ये होता है कि मेरी बेटी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं हाथ जोड़ता हूं आपकी, ये टॉर्चर बंद कीजिए प्लीज। मोरे, ऐसा क्यों है कि इस केस में अभी तक हमें एक भी सिंगल लूपहोल नहीं मिला है? एक अरसे के बाद ऐसा हो रहा है सर कि हमारे किसी भी सोर्स से हमें कोई फॉल्स लीड तक नहीं मिल रही है, सब जगह से ब्लैंक। सीसीटीवी में देखी गई सिल्वर सेडान कार जो गौरव की गाड़ी का पीछा कर रही थी और कत्ल में इस्तेमाल हुई थी, उस गाड़ी के सारे रजिस्टर्ड कार्स ट्रैक हुए, वापी, मुंबई, दिल्ली, पुणे, वो हर जगह जहां गौरव तिवारी पढ़ा था और फिर जॉब कर रहा था, हर जगह खंगाली गई। उसके हर छोटे से छोटे झगड़े की हिस्ट्री निकाली गई, एक थप्पड़ भी लगा हो तो वो मामला स्टडी किया गया, बातों ही बातों में हुई बहस का इतिहास भी निकाला गया। पर इस केस को क्रैक करने में हम पूरी तरह सफल रहे। इंस्पेक्टर, आपकी टीम निकम्मी है, इस बात में दो राय नहीं हो सकती। जानवी सब तक उसका जुर्म कबूल नहीं करवा पाया। बलराज जी, कन्फेशन के लिए भी संदिग्ध के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए होते हैं, जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगे।
सबूत इसलिए भी नहीं मिल रहा है सर कि आपकी टीम को ढूंढना ही नहीं है। जानवी के पिता अखिलेश ने उज्जैन के किसी पॉलिटिशियन से फोन करवा दिया होगा, या आपको कोई गुलदस्ता तो नहीं मिला गुलाबी नोटों का? ये बेबुनियाद और निहायत ही घटिया इल्जाम है बलराज जी। सर वो गौरव का फादर बलराज कोर्ट जाने की बात कर रहा है, सेंट्रल एजेंसी को केस ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। और सब मर्डर में 0.30 बोर की गन इस्तेमाल की गई थी। सभी लाइसेंस गन्स को इन्वेस्टिगेट किया, सर सुपारी मार्केट को भी खंगाला, जबकि वो आमतौर पर 0.30 बोर की गन इस्तेमाल नहीं करते। सर क्या पता मिस्टेकन आइडेंटिटी का एंगल हो, शायद धीरज निशाना रहा हो, पर सर वहां से भी जीरो क्लू मिल रहा है। सर अभी तक एक छोटी सी लीड जो हमारे हाथ लगी है वो ये है कि गौरव की किसी पब में हाथापाई हुई थी। तो गौरव जो डर रहा था कि उसे कोई मार डालेगा, वो इस हाथापाई से जुड़ा हो सकता है? पता कर रहा हूँ सर, पर ठोस कुछ नहीं। इस मुकाम पर ये केस एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफर कर दिया गया, हम इस केस को हल करने में नाकाम रहे थे। मैं और मेरी टीम दूसरे केसेस में बिजी हो गए, पर इस केस की नाकामियां भी हमें बार बार खटक रही थी। नई टीम भी उसी रास्ते पर चल पड़ी, वही वही लोगों की फिर से इंटरोगेशन हुई, और आखिर में उसी अंधी गली में इस नई टीम की तहकीकात ने भी दम तोड़ दिया। कत्ल को अब लगभग 1 साल हो गया था। इस केस से और गौरव की जिंदगी से जुड़े सभी लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए थे, आगे निकल गए थे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो उसकी मौत से जुड़े थे, जो एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की खुशी में लिपटे अपनी जिंदगी खुलकर जी रहे थे। बंदूक का ट्रिगर दबाने वाला हत्यारा भी अपनी जिंदगी में लौट चुका था, पर एक पिता, एक मां खालीपन के फंदे से लटकते उस दर्दनाक इंतजार में थे ये जानने के लिए कि आखिरकार उनके बेटे को क्यों मारा गया था। इतने लंबे समय के बाद एक उड़ती खबर बनी इस केस के हल की शुरुआत। अब तक हम गौरव से जुड़े सारे पर्सनल एंगल खंगाल रहे थे, हो सकता है यहां कोई पर्सनल एंगल था ही नहीं। सर इन चुराई गई एसयूवीज का केस रायपुर की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने क्रैक किया है, उनसे बात करते हैं। पर सर ये एंगल पर्सनल कैसे नहीं हो सकता है? गौरव ने अपना डर व्यक्त किया था जिस पर अटैक होगा। तो फिर गौरव ने किसी को कुछ बोला क्यों नहीं था? ये एक राज बना हुआ है पिछले 1 साल से, शायद इस राज का जवाब हमें इस नॉन पर्सनल एंगल से मिल जाए। अशोक हम उन चुराई हुई एसयूवीज को अभी भी ट्रैक कर रहे हैं, वो कहां कहां से थी ये अभी पता नहीं, पर इतना पक्का है ये सारी एसयूवीज अलग अलग स्टेट से हैं, और इन्हें चुराकर बेचने वाला ये जो इंटरस्टेट गैंग है उनका कनेक्शन और नेटवर्क तगड़ा है। इन गाड़ियों में ड्रग्स स्मगल होते हैं और नक्सल इलाकों में हथियार भी सप्लाई होते हैं। नदीम हमारा एक अनसुलझा केस है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई थी पर डेड एंड पे ही रह गई। कौन सा केस है? गौरव तिवारी नाम था आदमी का, काफी यंग था, गोली मारी गई उसे, ना ही हम ना ही दूसरी टीम कोई ब्रेक थ्रू ला पाए, सारे पर्सनल एंगल टटोले, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मर्डर एसयूवी में हुआ था। तुम्हें लगता है कत्ल उस एसयूवी के लिए हुआ होगा? जब से मैंने तुम्हारे इस केस के बारे में पढ़ा, तुम्हारा पूरा ऑपरेशन पढ़ा, तब से बार बार यही बात मेरे दिमाग में उठती रही है। ठीक है, मेरे हाथ में जितने भी आरोपी हैं सबको क्रैक करता हूँ, हो सकता है तुम्हारे इस गौरव तिवारी मर्डर केस से कोई कनेक्शन निकला। अशोक केस फाइल भिजवा दो। स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के साथ भागीदारी करते हुए हमें हमारे केस का सीधा सीधा हल तो नहीं मिला, लेकिन हमारे केस के मुजरिमों तक पहुंचने का एक मजबूत सुराग जरूर मिला। अशोक मैंने मेरे केस के जितने भी आरोपी हैं सबकी खाल उधेड़ी, पर तुम्हारे केस की एसयूवी का कुछ पता नहीं चला। एक प्रॉब्लम तो यह है कि ये किसी एक सेंट्रल कमांड को फॉलो नहीं करते, अलग अलग ग्रुप में ऑपरेट करते हैं और इन ग्रुप्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। पर नदीम गाड़ियां तो किसी एक ही कमांड को डिलीवर होती होंगी ना, स्पेशली एसयूवी जैसी बड़ी गाड़ियां। हाँ है, राजन बाजवा बंदा अपने पास मोबाइल तक नहीं रखता, किसी के पास भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर उसकी एक टीम है, एक नेटवर्क है जो गाड़ियां खरीदती है और गाड़ियां बेचती है। इन शॉर्ट अगर ये राजन बाजवा हमारे हाथ भी लग जाए तो भी नहीं बता पाएगा कि गौरव को किसने मारा है। मुश्किल है,
उसे शायद पता भी ना हो। मतलब नदीम, मेरे इस केस को लीड नहीं मिलेगी? अशोक, लीड मिलेगी मेरे केस में भी। वो एसयूवी चुराने के लिए जिन गाड़ियों में पीछा कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद वो गाड़ियां पकड़ी नहीं गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे केस की तरह उन लोगों ने किसी दूसरी ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी गाड़ी पे लगा रखा। हमारी जो सिल्वर सेडान पर नंबर था MH04XR4H37, दरअसल वो किसी दूसरी गाड़ी का नंबर था। करेक्ट, सेम मॉडल ऑपरेंडी मेरे केस में भी थी, पर ये पीछा करने वाली गाड़ियां कभी पकड़ी नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ खिलवाड़ किया गया था, उसे चेंज किया गया। जैसे कि? जैसे कि अब ये रही तुम्हारे केस की सिल्वर सेडान, अब इसका नंबर है MH04XR4H37। अब अगर ये नंबर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये भाई लोग क्या करेंगे, ये XR जो है इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे, RX कर देंगे, ये 4H को 3H कर देंगे, इस तरह से एक आध नंबर चेंज करके पूरा नंबर घुमा देते हैं। अब आप लगा लो जोर, ढूंढते रहो इन्हें, कभी नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए नहीं कि रजिस्ट्रेशन फर्जी है, बल्कि इसलिए कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फेरबदल करके उसे पूरा चेंज कर दिया गया। एकदम सही लीड है नदीम, पर हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे केस से मिलती जुलती जितनी भी सिल्वर सेडान है ना, RTO से उन सब के रजिस्ट्रेशन नंबर मंगवा, और ये जो तुम्हारी कार का नंबर है MH04XR4H37, इससे मिलता जुलता जो भी नंबर है ना, उस कार पे फोकस करो, वो कार शायद तुम्हारे कातिल की कार हो सकती है, चांस ले लो। उसी मॉडल की सारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए आपको? सर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक तो ये सेडान का पुराना मॉडल है। परचुरे साहब, और कोशिश कीजिए और जितनी जल्दी हो सके डिटेल्स भेजिए, इस केस को हुए पूरा 1 साल होने को आ रहा है। मैं इस काम के लिए 2 लड़के और लगा देता हूँ और आपको पूरी लीज भेजता हूँ। सर, ये एक नंबर हमारे नंबर के सबसे करीब है, और हमारे नंबर और इस नंबर में 19-20 का फर्क है बस। MH04 जैसे का वैसा, XP इस सेडान कार का XP ओरिजिनल सीरीज था, उन्होंने पी पे डंडा मारकर उसको आर कर दिया, तो ये भी हो गया सेम। और नंबर 3H74, इसको 4H37 कर दिया सर। क्या हमारा ब्रेक थ्रू है? सर, ये 2015 का रजिस्ट्रेशन है, किसी नरेंद्र दामले के नाम पर, थाने का रहने वाला है। पता करो कौन है नरेंद्र दाम। सर, ये मेरी गाड़ी नहीं है सर। लेकिन RTO के रिकॉर्ड के हिसाब से ये तुम्हारी गाड़ी है। थी, 2015 में सेकंड हैंड खरीदी थी। खरीदी किससे थी? लोकल गैरेज से खरीदी थी सर, लेकिन लेते ही उसमें प्रॉब्लम निकली, गैराज ओनर से लड़ झगड़ कर किसी तरह से दूसरी गाड़ी थी। भगवान ही जाने इसके रजिस्ट्रेशन पेपर्स में अभी तक मेरा नाम और एड्रेस क्यों है। ये गैरेज कहाँ है और इसका मालिक कौन है? किशोर पाटिल, वागड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट में, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। 2015 में बेची थी, 15 साल पहले नहीं, नरेंद्र दामले ने लौटा दी, फिर एक्सचेंज में तूने उसे दूसरी गाड़ी दी, ये वाली। किशोर पाटिल, अगर याद नहीं आ रहा तो बोल, नट बोल टाइट करता हूँ तेरे। नरेंद्र दामले से रिटर्न के बाद सिल्वर सेडान कार तूने कैसे बेची थी? सब नवीन श्रीवास्तव, ये पुणे का ही है सर। नवीन ने बोला था कि नरेंद्र दामले का रजिस्ट्रेशन जो है वो पुणे में अपने नाम करा लेगा, अब क्यों नहीं करा अब क्या मालूम। इस नवीन को फोन लगा तुरंत और पूछ इसने गाड़ी किसको बेची थी। हाँ बोल पाटिल, कैसे याद किया? अरे नवीन, अरे मैंने तुम्हें वो सिल्वर सेडान बेची थी ना, अरे वो सेकेंड हैंड। हाँ हाँ, क्या बात है? अरे वो है क्या तुम्हारे पास अब? नहीं, वो तो मैंने बेच दी है।
बेच दी, बेच दी। उसको पूछ कब बेची और किसको बेची, पूछ। अच्छा कब बेची भाई? क्यों पूछ रहे हो तो पाटिल? अब पुलिस पूछ रही है। कहाँ की पुलिस? ये पुणे क्राइम ब्रांच की। मैं क्या बोलूँ साहब को? हाँ बोल। अप्रैल 2017 में बेचती थी मैंने। साहब जो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, नाम वो सब मांग रहे भाई। हाँ देता हूँ, अभी फोन रख, सारी डिटेल्स एक ही साथ देता हूँ। राजलक्ष्मी शिवाजी नगर का एड्रेस है, SMS कर रहा हूँ, तुम तुरंत निकलो। नवीन श्रीवास्तव नाम है उसका। ऑन द वे सर। तू ये क्यों बोला उसे कि पुलिस आई है? साहब आपने मना भी तो नहीं किया कि मत बताना। डिटेल्स के साथ कॉल बैक करने वाला था नवीन, और अब फोन स्विच ऑफ कर रखा है। आखिरकार कोई तो फोन स्विच ऑफ रख रहा है इस केस में। लगता है गौरव मर्डर केस अब खुलने लगा है, पूरे एक साल बाद। मुंबई की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुआ ये नवीन। करता क्या है, सर्विस बिजनेस? अभी का तो पता नहीं है मैम, लेकिन बीच में वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। अकेले रहता है? नहीं तो माँ बाप है ना, घनश्याम श्रीवास्तव और नम्रता श्रीवास्तव, UP साइड के है। पर घनश्याम जी तो PWD में अच्छी पोस्ट पर है और आदमी भी अच्छे हैं। आप ये नम्रता और घनश्याम श्रीवास्तव का नंबर दीजिए मुझे। सर माँ बाप दोनों के फोन स्विच ऑफ। PWD ऑफिस? घनश्याम श्रीवास्तव सुबह ऑफिस आया तो था सर, फिर कहीं निकल गया, उसके बाद लौटे नहीं। ये नवीन श्रीवास्तव कहीं अपने साथ ले गया होगा हमारे डर से। शायद अब हम सही ट्रैक पर हैं। नवीन श्रीवास्तव? नहीं, ये नाम तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। नहीं, गौरव ने कभी जिक्र नहीं किया किसी नवीन श्रीवास्तव का। जी नहीं, मैं किसी नवीन श्रीवास्तव को नहीं जानता, लेकिन मैं एक जानवी को जरूर जानता हूं जो एक साल पहले मेरे बेटे को निगल गई और जो चूहों की तरह आप लोगों को भगा रही है। नवीन श्रीवास्तव, फादर घनश्याम श्रीवास्तव और मां नम्रता श्रीवास्तव, तीनों की तस्वीरें सर्कुलेट की गई हैं। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह लुकआउट है तीनों के लिए। नवीन श्रीवास्तव आरोपी हो सकता है, छूट नहीं ना पाए। सब फोन रिकॉर्ड शाम तक टेबल पर होंगे। ये श्रीवास्तव फैमिली की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? उल्टा है सर, घनश्याम PWD डिपार्टमेंट में आदर्श कर्मचारी का खिताब ले चुका है। नवीन इंजीनियरिंग कॉलेज का टॉप रैंकिंग का स्टूडेंट था। उसके बाद नवीन अच्छा खासा प्रॉपर्टी बिजनेस चला रहा था जो कि एक साल पहले ही बंद पड़ गया। सर क्रिमिनल बैकग्राउंड तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। अपना टारगेट नवीन है सर। कैसे पता चला? धीरज ने नवीन श्रीवास्तव के फोटो से आइडेंटिफाई कर लिया उसे। सर यही है वो शूटर। और तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि ये कौन है? नहीं सर। इस नवीन श्रीवास्तव के हाथ में एक परमानेंट टैटू है सर, उसके एक पड़ोसी ने बताया। चलो काफी देर से आए पर दुरुस्त। बोलीश्वर साहब, यहाँ कैंप एरिया में डॉक्टर पाथोड़े का क्लिनिक है और ये आपका नवीन श्रीवास्तव, उसका शाम का अपॉइंटमेंट है। किस चीज का डॉक्टर है? चमड़ी का। ये नवीन अपने हाथ के ऊपर का टैटू मिटवाने आ रहा है। एक तो क्यों और दूसरा और कौन कौन थे? तू इसका नंबर प्लेट चेंज कर दे। अच्छा सुन, ये जो P है ना, इसमें ऐसे दंडी मार के R बना। ठीक। और ये 3H74 को 4H37 कर दे। समझे? हो गया अर्जुन भाई। ओ नहीं गया, जल्दी करा के ला। अभी करवाता हूँ। यार अर्जुन मुझे टेंशन हो रही है यार। पैसे मिलेंगे तगड़े, ये सोच सब सही लगेगा। लेकिन यार अर्जुन। कोई लेकिन वेकिन नहीं भाई, ये जो मंगेश भाऊ है ना जिसने मुझसे पैसे लिए हैं, एक नंबर का दो नंबर आदमी है। मेरे पैसे लौटाने से तो रहा वो, और अगर वो मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे पैसे कहाँ से दूंगा भाई? देख
यही एक रास्ता है, दोनों की जेब गरम। वो सब तो ठीक है, मगर रिस्क है यार, इसमें फंस सकते हैं। अरे भाई पहले से कम फंसे हम लोग। मंगेश भाऊ, वो जो मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए थे ना लगाने के लिए, वो दरअसल नवीन के बिजनेस के हैं। इसकी हालत बहुत खराब है भाऊ, ऑफिस में पगार देने के लाले पड़े हैं। यार तू इसको लेकर आया मेरे को डराने या अपने ऊपर तरस खिलाने? नहीं नहीं भाऊ, मैं आपको कैसे डराने आऊंगा। दरअसल भाऊ ये नवीन अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाता है भाऊ, खून पसीने की कमाई है। अभी महीने के आखिरी में हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो इसकी वाट लग जाएगी, अपने बिजनेस से आउट हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ, फिर से इन हो जाएगा? बिजनेस में ऐसा होता रहता है। अभी तो मेरे को देख, मैं कितनी बार बिजनेस में इन हुआ आउट हुआ जेल से। घबरा मत, लाइफ है, चलता है। कुछ तो दे दो ना भाऊ। अबे जब कुछ है ही नहीं तो क्या दूंगा? सॉरी भाऊ सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब भाऊ अगर मेरे पैसे होते तो अलग बात थी, मैंने इससे उधार लेके आपको दिया था, अभी इसको अर्जेंट है। एक तरीका है। क्या? पर उसमें थोड़ी डेयरिंग मांगती है, करोगे? क्या करना पड़ेगा? तुम दोनों मिलकर मुझे एक SUV ला के दो। SUV ला दो मतलब भाव? ला के दो मतलब ला के दो। अब कैसे, किधर से, चोरी करो लूटो जैसे भी, वो मेरे को नहीं मालूम, पर गाड़ी SUV ही होनी चाहिए। पर अर्जुन, वो जो मैंने तेरे को 5 लाख देना है ना, उसकी जगह मैं तेरे को 8 लाख दूंगा, ठीक है? तुम दोनों मिलके 50-50 कर लेना। सोचने का नहीं, सीधा कर डालने का। सामने से डिमांड है, 3 SUV चाहिए। अभी 3 उड़ा सको तो बेस्ट है, वरना कम से कम एक ही ला दे। ठीक, हम लोग ना बड़ी से बड़ी SUV उड़ाएंगे, मिनिमम 20-22 लाख की। और मंगेश भाऊ को बोलेंगे ना 8 के बदले 10 देने को, देंगे वो। मैं क्रिमिनल नहीं हूं यार। अरे यार तू ये दूध से धुली बातें मत कर। देख ये जो गाड़ी हम लोग उड़ाएंगे ना मंगेश भाई के लिए, उसका पुर्जा पुर्जा खुल जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा, इंजन जाएगा सूरत और टैंक जाएगा दिल्ली। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि उस गाड़ी के साथ क्या हुआ। मजबूरी में क्या सर, मेरी प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहुत लॉसेस हुए थे, मैं वैसे क्रिमिनल नहीं हूँ सर। ये अर्जुन वर्मा और संतोष प्रधान दोनों कहाँ हैं इस वक्त? संतोष हिंजेवाड़ी में टैक्सी चलाते, मेरे पास उसका एड्रेस है। और ये अर्जुन वर्मा और ये तेरा मंगेश भाऊ? मंगेश भाऊ को एक ठिकाना नहीं है सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और अर्जुन वर्मा? वो मर गया। कैसे? किडनी फेलियर मैडम, 6 महीने हो गए। अर्जुन वर्मा का कोई रिलेटिव है यहाँ? नो डॉक्टर, उसके फैमिली मेंबर सब UP में है, मैं उसका दोस्त हूँ। कैसे अर्जुन? तुम्हारे दोस्त की दोनों किडनीज परमानेंट डैमेज हो चुकी है। आई एम सॉरी, ही इज डेड। मारने वाने का तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था सर, मैं तो इस गौरव बंदे को जानता तक नहीं था। मारने का कोई इरादा नहीं था, और बस 3 गोलियां पॉइंट ब्लैंक दाग दी ऐसे ही। मैं डर गया था सर, उसने गियर चेंज किया, गाड़ी आगे बढ़ाई, मुझे लगा मुझ पे गाड़ी चढ़ा देगा, मुझे कुचल देगा सर। उसने तो फायर कर दिया अर्जुन भाई। ए साले जल्दी बैठ, पब्लिक ने देख लिए, चीर देंगे हमको। मानने वाने का कोई इरादा नहीं था सर, मैं तो गन भी साथ में ले जाना नहीं चाहता था। गन कहां से खरीदी तूने? खरीदी नहीं सर, अर्जुन के पास थी। SUV के लिए गौरव को क्यों निशाना बनाया, कोई और क्यों नहीं? हम तो चक्कर काटे जा रहे थे शहर भर, कौन सी SUV सही रहेगी टारगेट करने के लिए। तब हमें रेस्टोरेंट के बाद ये SUV दिखी।
गौरव वाली एसयूवी। सही है अपने लिए। क्या बोलता है संतोष? एकदम टकाटक कंडीशन है। कम से कम 23 से 24 लाख कहीं नहीं गए, पर मंगेश भाव को 20 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, फिर यहीं वेट करते हैं। जब निकलेगी तो पीछा करेंगे, देखते हैं कि कौन है, कितने हैं और कहां धर सकते हैं। पीछा करते रहे, बाईपास के टर्न के बाद सुनसान रास्ता मिला, तब हमने सोचा यही सही वक्त है, सही जगह है, ले लेते हैं। ले लेते हैं क्या? एक जवान आदमी की जान बस यूं ही? और दादी तीन को लिया गोरख पर? डर में चल गई, कुचलने वाला था वो मुझे। कुचल तो तूने अपने आप को उसी दिन दिया था जिस दिन ये चोरी का ख्याल आया था तेरे दिमाग में। दुनिया की कोई भी अदालत ये मानने को तैयार नहीं होगी कि गौरव पर जो 3 गोलियां तूने चलाई, वो गोलियां चलाने का तेरा कोई इरादा नहीं था। घनश्याम जी, आदर्श कर्मचारी का खिताब लेने वाले सीनियर डिविजनल क्लर्क घनश्याम जी श्रीवास्तव, पूरे 1 साल तक आपको मालूम था कि आपका बेटा क्रिमिनल है, खूनी है, फिर भी इतने वक्त तक आपने अपने बेटे का गुनाह और गुनाह में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को ऐसे छुपा रहने दिया? मैडम, नवीन पढ़ा लिखा लड़का है, पता नहीं ऐसा कैसे जल्दी पैसा बनाने की दौड़ में शामिल हो गया वो। मैं डर गया था। डर गए थे? वहां आप लोग जैसा एक परिवार है, उस परिवार में आप ही के जैसा एक जवान पढ़ा लिखा इकलौता बेटा था, गौरव तिवारी, जिसकी आपके बेटे ने हत्या कर दी। साथीदार संतोष प्रधान और मास्टरमाइंड मंगेश वार दोनों को हिरासत में ले लिया। ये संतोष छोटी मोटी चोरियां करता है और ये मंगेश कई गाड़ियों की चोरी के केसेस से जुड़ा है। और नदीम मैम, ये मंगेश राजन वाजवा का सप्लायर भी है। सुपर, आखिरकार हम दोनों के केसेस, दरअसल एक ही केस। उस अर्जुन का क्या हुआ जिसकी डेथ हुई थी? उसका डेथ सर्टिफिकेट ले लिया है हॉस्पिटल से, मर्डर वेपन उसी के नाम पर लाइसेंस थी, बंदे की क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। रैंडम अटैक था, वो भी एसयूवी के लिए? हाँ, नवीन श्रीवास्तव का कहना है कि उसने डर के मारे गोली चला दी, उसे लगा गौरव उसके ऊपर गाड़ी चला देगा। मतलब वो मुझ पर भी फायर कर सकता था, और अगर गाड़ी में जानवी होती तो जानवी को भी शायद। कितनी तकलीफ, कितनी जिल्लत उठानी पड़ी मेरी बेटी को आप लोगों के कारण, पूरा 1 साल। काश इस केस का हल पहले मिला होता, काफी पहले। रही बात प्रेस की, कुछ साबित होने से पहले ही लोग अपने फैसले सुनाने लगे। अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सामने रखते हुए तो हम क्या कर सकते सिवाय अपनी ड्यूटी करने, जो हमने की। मेरे बेटे को सिर्फ एसयूवी गाड़ी हासिल करने के लिए मारा गया, सिर्फ उसके लिए? नामुमकिन। फिर गौरव को डर किस बात का था? बलराज जी, कुछ पब्स और बार्स में शराब पीकर गौरव की झड़पें हुई, उसे लगता था शायद उनमें से कोई उसके साथ कुछ करेगा, शायद ही उसका वहम। अब वहम का बहाना बनाकर मेरे बेटे को पागल करा देंगे ताकि उसकी असली कातिल जानवी को बचाया जा सके। पूरे सबूतों के साथ नवीन श्रीवास्तव और उसके साथीदारों के खिलाफ हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। आपके बेटे के हत्यारे पकड़े गए हैं। कह रहे किसी ने ऐसे ही मार दिया हमारे बेटे को गाड़ी चुराने की। आपने सुना ना पापा? हाँ सुना, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुझ पर शक की उंगली उठाई, लेकिन तूने आज तक ऐसा क्या किया है जिससे मेरा सर फक्र से ऊंचा हो? नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती बेटा।
एक आदमी गौरव अपनी मेहनत से अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने चला था, एक आदमी नवीन अपना बिजनेस बैठ जाने के बाद भरपाई जुर्म से करने चला था। जान गंवाने वाला पीड़ित पढ़ा लिखा था, उसका उज्जवल भविष्य था, जिसे तीन गोलियों ने पूरी तरह से बुझा दिया। जान लेने वाला आरोपी भी पढ़ा लिखा था, उसका भविष्य भी उज्जवल था, जो उसकी लालची आंखें देख नहीं पाई और जुर्म के जरिए अब यह सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। यह ना सिद्धांतों की बात है और ना ही अध्यात्म की, कॉमन सेंस है कि जैसे तैसे हासिल किया गया पैसा जिंदगी नहीं बना सकता। जिंदगी की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आज की तारीख में भी ईमानदारी से ही बनती है। ईमानदारी का मोल जिंदगी भर कमाए गए पैसों के मोल से कहीं ज्यादा है। बहुत सारा पैसा सुख दे सकता है, पर मेहनत की कमाई सुकून देती है। ये बहुत कुछ कितना बहुत होना चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं। ये सीमा हमारी गरिमा, हमारी खुददारी खींचती है और ईमानदारी के दायरे में हमें कायम रखती है। अगले हफ्ते एक और नया केस पेश करेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।